अभी छाया मैंने सीरियस लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। फानी तूफान के चलते 74 ट्रेन रद्द, 2 अप्रैल 3 मई को इन स्टेशनों से नहीं चलेगी गाड़ियां। भारतीय रेलवे ने फानी तूफान की गंभीरता के चलते 74 ट्रेन रद्द कर दी है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन को रद्द करने का फैसला लिया गया है। भद्रक से विजयनगर के बीच ट्रेन की सेवाएं 2 मई की शाम से बंद हो जाएगी। भारत की जीत यूएन में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हुआ मसूद अजहर। जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर पर भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई। संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने कहा कि बड़े छोटे सभी एक साथ शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में की शिकायत, नीति आयोग का गलत इस्तेमाल कर रहा पीएमओ। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री कार्यालय के कथित रूप से गलत इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग ने बुधवार को शिकायत की। पार्टी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार से पहले उन जगहों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए हो रही है। पीएम मोदी ने रद्द करवाया वाराणसी से तेज बहादुर का नामांकन अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव का नामांकन रद्द करवा दिया क्योंकि वह वाराणसी लोकसभा सीट पर उसका मुकाबला करने में डर रहे थे। यूपी में 10 लाख बच्चों के फेल होने पर बॉलीवुड एक्टर ने पीएम पर साधा निशाना, बोले चाय और पकौड़ा बेच। बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने उत्तर प्रदेश में 10 लाख बच्चों के फेल होने को लेकर ट्वीट किया और लिखा, यूपी में 2019 की परीक्षाओं में 10 लाख छात्र फेल हो गए हैं। कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं, क्योंकि छात्र अच्छे से जानते हैं कि वे चाय और पकौड़ा बेच सकते हैं और खुद को गर्व से देशभक्त भी कह सकते हैं। गढ़चिरौली नक्सली हमले पर महाराष्ट्र के डीजीपी का बयान, देंगे मुंहतोड़ जवाब। महाराष्ट्र के डीजीपी सुबोध जायसवाल ने कहा कि हम इस हमले का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। इलाके में ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई और नुकसान न हो। शिमला में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तबीयत बिगड़ी। केंद्रीय भूतल परिवहन एवं जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी की शिमला में अचानक तबीयत बिगड़ गई है। किन्नौर में जनसभा से लौटने के बाद गडकरी शिमला के बड़ा स्थित 5 सितारा होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल में बेहोश हो गए। जीएसटी कलेक्शन का बना रिकॉर्ड, अप्रैल में 1,13,00,000 रुपए का हुआ संग्रह। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 के पहले महीने मतलब अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन 1,13,00,000 रुपए पर पहुंच गया है। गढ़चिरौली नक्सली हमले, शरद पवार ने मांगा सीएम फडणवीस का इस्तीफा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को गढ़चिरौली में नक्सली द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफा मांग की है। इस हमले में 15 पुलिसकर्मी और एक नागरिक की मौत हो गई है। तो एमएनएस न्यूज आज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।